Hey guys, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक HD। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Xiaomi Redmi 9 Power और Realme 7 i के बीच और देखेंगे कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस बेस्ट है और साथ ही बात करेंगे कि फोन के कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले बॉडी फीचर्स कम्युनिकेशन चिप्स और प्राइजेस में कौन विनर है और आखिर में मैं बताऊंगी आपको कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा की। तो स्टार्ट करते हैं रियर कैमरा से। तो यहाँ 9 पावर में है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें है 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और 7i में भी है क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ विनर है 7i, क्योंकि इसमें है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो 9 पावर में है 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 7i में है 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। तो यहाँ क्लियर विनर है 7i। चलिए बात करते हैं कैमरा के फीचर्स की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है LED फ्लैश, HDR और पेनोरामा, इसलिए यहाँ है टाई। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो 9 पावर रिकॉर्ड करता है 1080p वीडियो 30fps पे और 7i रिकॉर्ड करता है 1080p वीडियो 30fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो जायरो इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ विनर है 7i। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, इसलिए यहाँ है टाई। बात करें यूजर इंटरफेस की तो 9 पावर में है MIUI 12 और 7i में है Realme UI। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ करती हूँ टाई, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा UI पसंद है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें GPU की तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है Adreno 610 का GPU, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड की। तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है Octa-Core Cryo 260 Gold, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.0 GHz की, इसलिए यहाँ है टाई। बात करें रैम की तो 9 पावर में है 4GB की रैम और 7i में है 4 और 8GB की रैम ऑप्शंस। तो यहाँ रैम में ऑप्शंस मिलने के कारण विनर है 7i। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है 64 और 128GB की UFS 2.1 स्टोरेज, इसलिए यहाँ है टाई। और यही बात की जाए एक्सटर्नल स्टोरेज की तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है माइक्रो SDXE डेडिकेटेड स्लॉट, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले की साइज से। 9 पावर की डिस्प्ले है 6.53 इंचेस की और 7i की डिस्प्ले है 6.5 इंचेस की। तो स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले के कारण यहाँ विनर है 9 पावर। बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो की। तो यहाँ 9 पावर की रेशो है 83.4% और 7i की रेशो है 82.3%। तो यहाँ भी ज़्यादा रेशो के कारण विनर है 9 पावर। चलिए बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो 9 पावर में है फुल HD प्लस की डिस्प्ले और 7i में है HD प्लस की डिस्प्ले। तो फुल HD प्लस की डिस्प्ले की वजह से यहाँ विनर है 9 पावर। बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। 9 पावर में है IPS LCD की डिस्प्ले और 7i में है IPS LCD विद 90Hz रिफ्रेश रेट। तो यहाँ 90Hz की रिफ्रेश रेट की वजह से विनर है 7i, क्योंकि 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देगा बेटर एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं बॉडी की। तो स्टार्ट करते हैं थिकनेस से। तो यहाँ 9 पावर की थिकनेस है 9.6mm और 7i की थिकनेस है 8.9mm। तो यहाँ थिनर बॉडी के कारण विनर है 7i। बात करते हैं वेट की। 9 पावर में है 198 grams और 7i में है 188 grams। तो यहाँ भी लाइटर वेट के कारण विनर है 7i। और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम, इसलिए यहाँ है टाई। और सिम के लिए भी दोनों ही डिवाइसेस में है ड्यूल नैनो सिम स्लॉट, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए अब बात कर लेते हैं डिवाइसेस के फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से।
यहाँ 9 पावर में है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 7i में है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ विनर है 7i क्योंकि रियर माउंटेड स्कैनर है इजी टू एक्सेस। बात करते हैं सेंसर्स की, तो यहाँ 9 पावर में है एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास और 7i में है एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कंपास। तो यहाँ जायरो की एक एक्स्ट्रा सेंसर की वजह से विनर है 7i। चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की, 9 पावर में है 6000mAh की बैटरी और 7i में है 5000mAh की बैटरी और चार्जिंग के लिए यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है 18 वॉट्स की चार्जिंग, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए बात करते हैं लाउड स्पीकर्स की, 9 पावर में है स्टीरियो स्पीकर्स और 7i में है नॉर्मल स्पीकर्स। तो स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से यहाँ विनर है 9 पावर क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स आपको देंगे बेटर साउंड। बात करें हेडफोन जैक की, तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिल जाता है 3.5mm का हेडफोन जैक, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए अब चलते हैं कम्युनिकेशंस की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं वायरलेस लैन से। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिल जाता है वाईफाई एसी, ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट, तो इसलिए यहाँ है टाई। बात करें ब्लूटूथ की, तो यहाँ भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाता है 5th generation का ब्लूटूथ, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए बात करते हैं GPS चिप्स की, तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है AGPS, GLONASS और BDS, तो यहाँ भी मैं करती हूँ टाई। बात करें USB की, तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस में है 2nd generation का Type-C रिवर्सिबल कनेक्टर USB OTG सपोर्ट के साथ, तो यहाँ भी होता है टाई। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के प्राइजेस की, तो इंटरनेशनल मार्केट में 9 पावर का प्राइस है $150 और 7i का प्राइस है $210 और इंडियन मार्केट में 9 पावर का प्राइस है ₹11,000 और 7i का प्राइस है ₹13,000। तो अब सबसे आखिर में बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो यहाँ कैमरा में विनर है 7i, तो यहाँ परफॉर्मेंस में है टाई, डिस्प्ले में विनर है 9 पावर, बॉडी सेगमेंट में है टाई, फीचर्स में विनर है 9 पावर, यहाँ कम्युनिकेशंस में है टाई, प्राइजेस में विनर है 9 पावर। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे। मैं हूँ अंजलि, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।